मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। UP SSC के फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ चुका है। देखिए, ये बिल्कुल आज ही की न्यूज है। 2 नवंबर 2019 का दिनांक लिखा हुआ है और आज 2 नवंबर 2019 ही है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये बिल्कुल विज्ञप्ति दी गई है। आवश्यक सूचना में क्या दिया गया है भाई? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 24 परीक्षा 2016 2016 का विज्ञापन रहा है। विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विधान भवन रक्षक के 44 पदों और के सापेक्ष 44 अभ्यर्थियों और वन रक्षक के 620 पदों के सापेक्ष 534 अभ्यर्थियों को गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 722 गोपन अनुभाग 1/4/2019 दिनांक 2/11/2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन परिणाम की संलग्न सूची के अनुसार सफल घोषित किया जाता है। तो इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। कितने कितने अभ्यर्थी? यहाँ पर 44 पद थे तो 44 के 44 लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखें पद कितने हैं? 620। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है वो 534 कैंडिडेटों का हुआ है। जो 44 पद हैं उसमें जनरल के पद रहे हैं, आपके सामने देख सकते हैं। अनारक्षित 24 हैं, OBC के 11 हैं, SC के 9 हैं। और यहाँ पर अगर 620 पदों में जो सिलेक्शन 534 पर हुआ है उसमें जनरल के 313 हैं, OBC के 168 हैं, SC के 46 हैं और ST के 7 पदों पर सिलेक्शन हुआ है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से बिल्कुल अपना नंबर चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें बिल्कुल। और जिनका हो चुका है सिलेक्शन वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं भाई। यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ भी, क्योंकि जो बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ आ चुकी है। देखें आयोग की तरफ से यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। वन रक्षक पद का कट ऑफ क्या रह गया है? जनरल के लिए गया है भाई 132। अंतिम चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के अंक रहे 120 और अंतिम चयन की जन्म तिथि रही है आपकी 13/5/1990। SC की अगर बात करें तो 90.5789 और लिखित परीक्षा में इनके नंबर रहे हैं 76.5789। अनुसूचित जनजाति मतलब ST की बात करें तो 111 पर हैं ये और 99 इनकी लिखित परीक्षा में रहे हैं। OBC की बात करें तो 123 और यहाँ पर रहे हैं इसमें लिखित परीक्षा में 112 अंक। 36 आरक्षण के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें जो बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 124.7895 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 46 कट ऑफ गई है। विधान भवन रक्षक पद का कट ऑफ जो गया है वो जनरल के लिए 166.5263 और अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा के जो अंक गए हैं 155.5263 के। SC के गए हैं भाई 138 और यहाँ पर लिखित में रहे 123। ST के और OBC के लिए यहाँ पर गए हैं 147.9474 और लिखित में रहे हैं यहाँ पर 132.9474। तो ये बिल्कुल आज की न्यूज है। और यहाँ पर देखें 36 आरक्षण के तहत महिलाओं की 130 और भूतपूर्व सैनिकों की 115.2105 कट ऑफ रही है। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक करें। और जिन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।